देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कवर करेंगे सेल रेफरेंस। देखिए, सेल रेफरेंस एक्सेल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जो आपके लिए कवर करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सेल रेफरेंसिंग आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज को ठीक ढंग से यूज़ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए सेल रेफरेंसिंग ऑप्शन हमारे को कवर करना बहुत ज़रूरी है। अब सेल रेफरेंसिंग की अगर बात करें कि सेल रेफरेंसिंग होता क्या है और कितने तरीके का होता है, तो देखिए, आपने कई बार एक्सेल शीट अगर आपने कोई देखी हो, उसमें कोई फंक्शन आपने देखा हो, तो उसके अंदर आपने कई बार देखा होगा कि इस तरीके से डॉलर का साइन लगा होता है। तो वो डॉलर का साइन क्यों लगाया जाता है और क्यों लगा होता है, उसके बारे में हम आज पूरे इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक्सेल के अंदर हमारे पास में तीन तरीके के रेफरेंसेस होते हैं। पहला होता है रिलेटिव रेफरेंस, जो कि इस तरीके से होता है नॉर्मल, इसमें कोई भी डॉलर का साइन यूज़ नहीं किया जाता। सेकेंड होता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, जिसमें दोनों साइड डॉलर का यूज़ किया गया है, कॉलम पे भी और रो पे भी। यहाँ पे ए आपका कॉलम है, ठीक है, और वन आपकी रो है, तो दोनों साइड डॉलर का साइन लगाया हुआ है। दूसरा आता है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड में क्या है, आपके एक को फ्री छोड़ा गया है, जैसे यहाँ पे देखिए कॉलम के पास में डॉलर का साइन लगा हुआ है, बट इधर रो में नहीं है, वन में नहीं है, जबकि यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ए के आगे डॉलर का साइन नहीं है और वन के आगे डॉलर का साइन है। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या रिलेटिव रेफरेंस, और रिलेटिव रेफरेंस के लिए मुझे यहाँ पे क्वार्टर फोर की क्वांटिटी निकालनी है। तो क्वार्टर फोर की क्वांटिटी निकालने के लिए मैं टोटल सेल को डिवाइड करूँगा किससे, प्राइस पर यूनिट से। तो मैंने यहाँ पे किया इजिकल, और मैंने यहाँ पे E6 का रेफरेंस दिया और डिवाइड बाई किया प्राइस पर यूनिट, और प्राइस पर यूनिट हमारी कितनी है 500, और इसको ये F6 में लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे इसको F6 लिख दिया और एंटर किया। अब देखिए, इसी फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, तो आप देखिए अब आपकी रेंज क्या हो जाती है। अब आपने माउस का ये निकाल दिया कि माउस में, अभी आपने कीबोर्ड का निकाला था, अब ये माउस का निकाल दिया कि नीचे जब आपने फॉर्मूले को ड्रैग किया तो इसकी जो रेंज थी वो भी नीचे ड्रैग हो गई। क्लियर है? मैं इसको और नीचे ड्रैग करता हूँ, ठीक है, मैं नीचे देखिए यहाँ तक ड्रैग करता हूँ, तो देखिए इनके ये फॉर्मूला अब यहाँ के अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, रिलेटिव रेफरेंस, कि जहाँ जो आपने रेंज ली, ठीक है, जब आप अपने फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपकी रेंज भी क्या होती जाती है, उसके साथ चलती जाती है। क्लियर है कि वो जहाँ जाएगा वहीं पे रिलेशन बना लेगा, ठीक है, कि पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जब मैंने इसको नीचे ड्रैग किया या कॉपी पेस्ट किया, तो देखिए अब किन को कर रहा है, अब इन दोनों को कर रहा है, और यहाँ नीचे इन दोनों को कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है, कि आपकी जो रेंज है वो हमेशा आगे बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ती हुई जाएगी जो भी आपने फॉर्मूला लगाया उसके साथ साथ। क्लियर है? देखिए, उसके बाद में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस की। देखिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है कि अगर आपको किसी वैल्यू को फिक्स करना हो, फिक्स करना मतलब, यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं कैसे। यहाँ मेरे पास में ये क्वार्टर जो सेल है, ये मेरे पास में इंडियन रुपीस के अंदर है। क्लियर है? अब इस क्वार्टर सेल को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, USD के अंदर, ठीक है, डॉलर के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है। तो एक डॉलर की जो प्राइस है वो कितनी है, 78 रुपीज़ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनको कन्वर्ट करने के लिए मैं इजिकल प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे क्वार्टर वन की सेल्स को सेलेक्ट किया और डिवाइड कर दिया इसको किससे, 78 से, कि इन सभी को मुझे 78 से डिवाइड करना है ताकि ये डॉलर में आ जाए। क्लियर है? और मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे आ गया 670.86। क्लियर है? जो आपकी कीबोर्ड की जो क्वार्टर वन की सेल थी, यहाँ पे आपके पास में 52,327 रुपये थी, अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करोगे और एक डॉलर की रेट कितनी होगी, 78 रुपीज़ होगी, ठीक है, तो यहाँ पे इसका डॉलर प्राइस कितना हो जाएगा, 670.86। क्लियर है? तो यहाँ से अब इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ सभी को निकालने के लिए, तो मैं एक बार यहीं तक ड्रैग करके देखता हूँ, तो आप देखो आपको यहाँ पे एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक किया तो देखिए क्या हुआ, ये यहाँ पे B6 से B7 में आ गई, क्योंकि आपने फॉर्मूले को नीचे ड्रैग किया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपने K4 सेलेक्ट किया था और K4 से ये नीचे क्या आ गया, K5, क्योंकि अभी जो रेफरेंस है वो कौन सा है, रिलेटिव रेफरेंस है, तो ये हमेशा नीचे ड्रैग होता जाएगा। जैसे आप अपने फॉर्मूले को ड्रैग करोगे, आप जैसे मान लीजिए कि नीचे वाले फॉर्मूले को देखें, तो देखिए ये B8 हो गया, ठीक है, ये तो ठीक चल रहा है हमारा सेल का, तो हमारे को नीचे हमेशा ड्रैग करना है, इसको तो रिलेटिव में रखना है, बट यहाँ पे देखिए ये रिलेटिव में होके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमेशा हमारे को यहाँ पे ये जो वैल्यू है जिससे डिवाइड करना है वो 78 ही होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 78 को, सॉरी
इस K4 को यहाँ पे या 78 वैल्यू को हम फिक्स कर देंगे। इसका जो रेफरेंस है वो कौन सा दे देंगे, एब्सोल्यूट दे देंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट के साथ में 4 से पहले डॉलर लगा दूंगा और 4K के पहले डॉलर लगा दूंगा। क्लियर है, इन दोनों के पहले, मतलब मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो ये 4 से 5 नहीं होना चाहिए, K4 से K5 नहीं होना चाहिए। मैंने देखिए, मैं एक बार के लिए इसको केवल और केवल 4 पे डॉलर लगा रहा हूं, डन। मैं एक बार के लिए केवल और केवल 4 पे डॉलर लगा रहा हूं कि 4 से ये 5 नहीं होना चाहिए। जहां पे भी आपने डॉलर लगा दिया ना तो वो नंबर फिक्स हो गया। कि अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूंगा तो ये 4 से 5 नहीं होगा। क्लियर है, 4 का 4 ही रहेगा, K4 का K4 ही रहेगा, 4 से 5 नहीं होगा। मैंने इसको एंटर किया तो देखिए, अब मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो देखिए आपका K4 का K4 ही है। क्यों, डॉलर का मतलब यहां पे क्या हो गया, फिक्स हो गया, 78 आ रहा है, आपका K4 आ रहा है। और यहां पे ये चीज हमारे को रिलेटिव रेफरेंस में रखनी है, तो इसको हमने कुछ छेड़ा ही नहीं, ये बिल्कुल फ्री है, इसको हमने कहीं से भी फिक्स नहीं किया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को जब मैं आगे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, मैंने K पे डॉलर का साइन नहीं यूज किया था। देखिए अभी तक ये जो रेफरेंस है वो हमारा कैसा रेफरेंस है, अगर आप देखें तो इसको ये रेफरेंस हमारा मिक्स्ड में दिखा रहा है अभी, कि एक को हमने फ्री छोड़ रखा है, कॉलम को फ्री छोड़ रखा है, रो को फिक्स कर रखा है, डन। अब यहां पे इसी फॉर्मूले को मैं अगर क्वार्टर 2 में लगाऊं और क्वार्टर 3 में लगाऊं तो देखिए क्या होता है, अगेन हमारे को क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने रो को तो आपने फिक्स कर दिया, बट जो कॉलम था उसको आपने क्या कर दिया, फ्री छोड़ दिया। कि के से हमेशा ये के से आपने क्या किया, ये के से के को फ्री छोड़ दिया, तो ये के से एल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एल से एम हो जाएगा, मतलब इस तरीके से आपका ये सेल बढ़ता जाएगा क्योंकि के को आपने फ्री छोड़ रखा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, के को भी यहां पे फिक्स कर दूंगा कि जब मैं आगे इस फॉर्मूले को ड्रैग करूं तो ये के से एल ना हो और एल से एम ना हो। क्लियर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे के से पहले, यहां पे के से पहले हम यूज करेंगे क्या, डॉलर। तो डॉलर से क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। अब ये K4 से L4 या M4 नहीं होगा, K4 का K4 रहेगा। क्लियर है, अब देख लीजिए K4 का K4 ये, आप यहाँ पे आ जाइए, K4 का K4 है, आप यहाँ आ जाइए, K4 का K4 है। क्लियर है, तो ये K4 का K4 रहेगा। एब्सोल्यूट मतलब आपने इसको फिक्स कर दिया कि ये यहाँ से हिलेगा भी नहीं, आप कितना भी फॉर्मूले को ड्रैग कर लो ये हमेशा यहीं के यहीं रहेगा। ठीक है, ये हमेशा यही रहेगा, आप कितना भी फॉर्मूले को ड्रैग कर लो। अब देखिए मैंने फॉर्मूले को नीचे यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है, मैंने इसको यहाँ तक अप्लाई कर दिया और इसको यहाँ तक अप्लाई कर लिया। क्लियर है, इन सभी में 78 कॉमन है तो वो कॉमन ही रहेगा, आप किसी भी फॉर्मूले को डबल क्लिक करके चेक कर सकते हो। क्लियर है, देखिए आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो डॉलर का साइन हमने यूज़ किया था, इस डॉलर के साइन की शॉर्टकट की होती है F4। देखो रेफरेंसेस में आपके पास में 4 कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि बिल्कुल फ्री, अभी ये देखो बिल्कुल फ्री है, रिलेटिव रेफरेंस है। उसके बाद में मैं F4 प्रेस करूंगा तो ये एब्सोल्यूट कर देगा, इसको दोनों साइड डॉलर लगा देगा, रो के और कॉलम के दोनों के पहले। उसके बाद में ये मिक्स्ड में एक को फ्री छोड़ देगा, जैसे यहाँ पे इसको कॉलम को फ्री छोड़ दिया और रो को फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद में दोबारा से F4 प्रेस करोगे तो ये आपको आपकी बार कॉलम को फिक्स कर दिया और रो को फ्री छोड़ दिया। तो इस तरीके से F4 लगा के आप बार बार प्रेस करके जो भी आपको यूज़ करना हो वो आप कर सकते हैं F4 से। क्लियर, यहाँ मुझे इसको फिक्स करना था तो मैंने यहाँ पे F4 में फिक्स करके इसको छोड़ दिया। क्लियर, देखिए उसके बाद में हमारे पास में आता है मिक्स्ड रेफरेंस। देखिए मिक्स्ड रेफरेंस में क्या है, यहाँ पे मुझे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, और क्वांटिटी हमने जैसे यहाँ पे क्वार्टर 4 की जो हमने क्वांटिटी निकाली थी, इसी तरीके से हमारे को यहाँ पे सभी की क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, तो सभी की क्वांटिटी निकालनी है और एक फॉर्मूला मैं यूज़ करूँ और उसके बाद में मैं उस फॉर्मूले को ड्रैग करूँ तो सभी पे अप्लाई हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वार्टर 1 की पहले सबसे पहले क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड की क्वांटिटी निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इजिक्वल प्रेस किया और इजिक्वल प्रेस करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्वार्टर 1 की सेल सेलेक्ट की और डिवाइड कर दिया किससे, प्राइस पर यूनिट से। क्लियर है, और इसको मैंने एंटर किया तो देखिए मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखिए क्वार्टर 1 की क्वांटिटी में हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल सही चल रहा है। बट जब इसी फॉर्मूले को मैं आगे ड्रैग करूँगा क्वार्टर 2 की क्वांटिटी निकालने के लिए तो देखिए क्या होता है, मैंने जैसे ही यहाँ पर ड्रैग किया तो आपका फॉर्मूला एक एक स्टेप आगे खिसक गया। अब यहाँ पे क्वार्टर 1 की सेल से क्वार्टर 2 पे आ गया, ये तो हमारे को ठीक था क्योंकि क्वार्टर 2 की सेल हमारे को सेलेक्ट करनी थी, ये तो हमारे लिए ठीक है। बट यहाँ पे जो प्राइस थी वो सभी के लिए कॉमन है, ठीक है, प्राइस आपके सभी
यूनिट सॉरी सभी क्वार्टर के लिए कॉमन है, तो यहां पे मैं चाहता हूं कि ये जो प्राइस का कॉलम है वो हमेशा यही रहे, आपका एफ वाला कॉलम ही रहे, ठीक है। कॉलम आपका कौन सा रहे, एफ। अब इसमें देखिए कॉलम तो एफ रहे बट रो हमेशा आपकी चेंज होती रहे, क्लियर है कि भाई माउस पे जब कीबोर्ड पे लगाओगे तो 500 रहे, माउस पे लगाओगे तो 200 हो जाए, तो इस तरीके से। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से एडिट करता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एफ से ये क्या नहीं होना चाहिए, जी नहीं होना चाहिए, एफ से क्या नहीं होना चाहिए, जी नहीं होना चाहिए। तो ऐप से पहले मैंने क्या कर दिया, डॉलर लगा दिया, क्लियर है। ऐप से पहले मैंने डॉलर लगा दिया मतलब एक साइड को मैंने इसमें क्या कर दिया, कॉलम को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया और रो को फ्री छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि रो हमारे को नीचे चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं इधर अप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका ऐप का ऐप कॉलम है, ऐप से जी नहीं हुआ, क्लियर है। अब जब नीचे मैंने इसको ड्रैग किया, मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखिए रो हमारे को हमेशा फ्री, रो को हमारे को यहाँ पे फ्री छोड़ना था तो हमने फ्री छोड़ दिया कि ये एफ सिक्स से 7, 8, 9, 10 हो जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स की प्राइस अलग अलग है तो उन प्राइस के हिसाब से ये सेट हो जाना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे अब इस फॉर्मूले को आप चारों तरफ ड्रैग कर दीजिए, इसको मैंने नीचे तक ड्रैग कर दिया और यहाँ पे इधर ड्रैग कर दिया और यहाँ से इसको नीचे ड्रैग कर दिया, क्लियर है। तो देखिए सभी पे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया है, क्लियर है। चाहे आप क्वार्टर फोर की सेल पे देख लीजिए, क्वांटिटी पे देख लीजिए, आपको पूरा परफेक्ट मिलेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से जब भी आप एक्सेल यूज करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई फॉर्मूला होगा जिसमें किसी वैल्यू को फिक्स करना हो तो फिक्स करने के लिए आप यूज़ करेंगे डॉलर का साइन। तो ये डॉलर का साइन आपका होता है सेल रेफरेंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।